कुन्नी के आने से पहले ये घर एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह था। एक ही छत के नीचे हम सब अजनबी जैसे रहते थे। उसने आके तो इसे घर बना दिया। आपके उस टेनेंट ने क्या सचमुच आपको इम्प्रेस नहीं किया? क्या है, कैसा लिफाफा है ये? मैं तो सिर्फ डाकिया। काबुली वाले, मैं एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या एक बार आ सकोगे? अभी अभी जूस पिला के सुला दिया है। वैसे कैप्सूल का असर मुश्किल से 20 मिनट रहता है। आ। अभी जग जाएगी थोड़ी देर। चाय ले आओ। जी नहीं। कली, कृष्ण कली, कली,
मैं जानती थी तुम आओगे। आंटी को सब पता है। बिठाओगे मुझे? आंटी तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे ये मेरा प्रेमी नहीं तुम्हारा प्रेमी है। सुन रहे हो प्रवीर, दिन रात ऐसे बचपना कर मुझे रुलाती रहती है। लो मीठा तो एकदम मना है ना। सुबह से जिद कर रही थी मरैंग बनाओ मरैंग बनाओ, पर मरैंग तो इस सीजन में बन नहीं सकता। नहीं बनाए और मैं कहीं बीच में चल बसी तो फिर तुम चैन से सो नहीं पाओगे ना अपनी कब्र में, और इसलिए थोड़ा सा ना। बिल्कुल नहीं, अरे आंटी परलोक में कभी दावत हुई तो तुम्हें रिकमेंड करके जल्दी बुलवा लूंगी। अम्मा नहीं आई अभी तक आंटी? आती होगी। तुम कहीं घूमाओ ना जब तक अम्मा नहीं आती। देखा, चतुरबंदी ऐसे ही द्वार पर पहरा देने वाले सिपाही को अपनी षड्यंत्र में मिलाते हैं। कलकत्ते से निकली तो बुखार आ गया और सारे शरीर में असह्य पीड़ा। ना जाने किस इंट्यूशन ने मुझे चौकन्ना कर दिया कि ये पीड़ा ये ज्वर ये सामान्य नहीं हो सकता। लगता था कि फिर एक बार तुम्हारी बाहों में जबरन सिमट गई हूं, पूरी देह दहकने लगी। मैंने ही अपनी बीमारी की खबर दी थी, एक अम्मा को दूसरी तुम्हें। लगा था कि जब जाना ही है तो क्यों ना सबसे मेरे अपने नजदीकी सबसे हाथ मिलाकर फिर जा। तुम्हारे बारे में अम्मा को कुछ नहीं बताया, जानते हो क्यों? मुझे लगा कि वो मन ही मन कहेगी देखा हार गई ना छोकरी, मेरी खिल्ली उड़ाती थी और आज खुद ही ठोकर खा गई। पत्नी के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनका प्रेमी तो उन्हें अंगूठा दिखा के चला गया। मेरा प्रेमी चलो घर चले कली। अपनी अम्मा के सामने अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़ कर बोल पाओगे? चलो कली घर चले।
खबरदार जो कहा तो क्या पता कहीं सचमुच बाहें पकड़कर साथ चल दूंगी। बड़ी आस्तिक हो गई हो आजकल अम्मा। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। ये कली के मित्र हैं, इन्हीं के परिवार के साथ कली कलकत्ते में रहती थी, अभी अभी शादी हुई है इनकी। बैठी ना, कब आए हैं आप? अभी अभी। अकेले ही आए हैं, अपने पत्नी को साथ नहीं लाए? कमाल करती हो अम्मा, सहेली से मिलने बीबी को लेकर आते। क्षमा नहीं कर सकते, पर मुझसे दूर भागकर तुम्हें क्या मिला बना? क्या तुम मेरी विवशता को, मेरे वंश के प्रति मेरा कर्तव्य और सबसे बड़ी बात मेरी मां को, मेरी मां को नहीं जानती थी? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं पूछा रंजन। अगर तुम बड़ी दी के पास बनी रहती तो क्या मैं वहां नहीं आ सकता था? क्या हम उसी स्वतंत्रता से बेरोक टोक नहीं मिल सकते थे? मैं कई बार पीली कोठी गया। बड़ी दी तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। एक बार तो उसने मेरा ऐसा अपमान किया कि अगर वो तुम्हारी बहन ना होती तो मैं उसे जब वाणी ने कहा कि तुम कली को लेकर कहीं चली गई हो और अपना अता पता भी नहीं छोड़ा तो फिर भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा। वाणी से ही पता लेकर मैंने अल्मोड़ा वाली मेम को चिट्ठियां भी लिखी। मैं हर महीने तुम्हें कुछ रुपए भेजना चाहता था, मेरी ओर देखो पन्ना। क्या तुम अब भी मुझे किसने कहा तुम बूढ़े हो गए हो? हालत बुरी लगती है। द डिजीज वॉज इंसिड्यूअस, मेटास्टेसिस हैव गॉन टू द चेस्ट एंड स्पाइन। कड़ी परीक्षा ले रहा है, वैसे पन्ना तो कह रही थी कि
जन्म से ही मुसीबतों का मुकाबला करती आई है कली। जन्म से? जन्म से। जीभ दिखाओ। कितने दिनों से पीरियड्स नहीं आ रहे पार्वती? 6 महीने। ओ, और आज तुम दिखा रही हो? कौन है वो, बोलो। असदुल्ला खान? दोष तो तुम्हें भी नहीं दे सकती पार्वती, लेकिन अकेले पाल पोस कर बड़ा करोगी इस आने वाले बच्चे को? माँ बाप दोनों रोगी, जिसके आने की खबर सुनते ही बाप भाग गया, उसे जिंदा रहने की क्या आवश्यकता? बाहर आते गला घोट दूंगी। फॉर गॉड सेक। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की जिंदगी छीनने का, वो अपनी मर्जी से आता है। तुम जो सोच रही हो वो गलत है, वो पाप है। मैं उसे मुक्ति दूंगी, चाहे वो पाप हो या और कुछ। দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বাদিলে শান্তি। अभी जिंदा है ये। समटाइम्स वी कांट अंडरस्टैंड हिज विश। ऐसा ही है जीवन मेरा, किसी अभिशाप सा। मैंने तो नहीं मांगा था ये जीवन, क्या दोष था मेरा? शायद इतना ही कि जो मिला उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बहती गई कागज की कश्ती की तरह, बह जाना बहते जाना दिशाहीन। सिर्फ इतना ही तय है और डूबने की हिम्मत नहीं। मेरी जन्मदात्री माँ, वो अनपढ़ गंवार कोढ़ी औरत, वही अकेली पर पाई थी मेरा भविष्य। उसने पूरी कोशिश की थी जीने के इस अभिशाप से मुझे मुक्त करने की, लेकिन नहीं,
विधाता को ये भी मंजूर नहीं था। Sometimes we can't understand God's wish.